हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप डीटीसी बस पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप ऑनलाइन डीटीसी बस पास बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा किस तरीके से आप स्टूडेंट के लिए बस पास बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में आपको डीटीसी बस पास लिख कर सर्च करना होगा। फर्स्ट वेबसाइट आएगी हमारे सामने, इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अब इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आर यू एग्जिस्टिंग बस पास यूज़र। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग बस पास यूज़र हैं तो आप यस करेंगे और अपना बस पास नंबर डालेंगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम बस पास बनवा रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको यहाँ पर नंबर नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है विच टाइप ऑफ बस पास डू यू वॉन्ट, किस टाइप के बस पास आप बनवाना चाहते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला ई बस पास यानी ऑनलाइन बस पास बनवाना चाहते हैं, जिसमें आपको फिजिकल प्रिंटेड बस पास नहीं दिया जाएगा, आपको ऑनलाइन एक सॉफ्ट कॉपी दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रिंटेड बस पास चाहते हैं तो आप यहाँ पर कन्वेंशनल बस पास पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी चूज करना होगा। तो कैटेगरी पर हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने तीन कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्टूडेंट बस पास बनाना चाहते हैं तो कंसेशनल बस पास पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ जनरल बस पास पर क्लिक करते हैं, जनरल बस पास में ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जनरल बस पास पर क्लिक करेंगे तो इन सारे रूट का बस पास आप यहाँ से बनवा सकते हैं। फिलहाल हम बैक करते हैं, हमें यहाँ पर कंसेशनल बस पास बनाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, देखिए आपका सारा रूट यहाँ पर दिखाएगा कि ये बस पास कौन कौन बनवा सकता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन ऑल रूट, स्टूडेंट ऑल रूट, एसी नॉन एसी वाला बस पास बनवा सकते हैं, स्टूडेंट स्पेशल ऑल रूट का बस पास बनाया जा सकता है यहाँ से। और भी ऐसी अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से उन सारे के लिए बस पास बना सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट बस पास बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट ऑल रूट नॉन एसी यहाँ पर एसी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है। अब नीचे साइड आपको ये वाला कैप्चा कोड एज इट इज यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखिए हम नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि आपका नेम फिल करना है, आपका फादर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, एज फिल करना है, जितने साल के हैं आप। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना होगा। देन आपको एक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आपको बस पास डिलीवर्ड किया जाएगा। आपको सिटी चूज कर लेना है, अपना एरिया का पिन कोड डालना है, आपको रिलीजन चूज कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर मेल आईडी फिल करना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। अब इतना डिटेल जैसे फिल कर देते हैं, उसके बाद नीचे साइड देखें, यहाँ पे बस पास डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। इसके नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद आप बस पास ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कूल कोड फिल करना होगा। तो स्कूल कोड आपको नहीं पता है क्या आपके एरिया का स्कूल कोड आपका क्या है, आपको नहीं पता है तो आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल लिस्ट यहाँ पर शो कर दी जाएगी। जितने स्कूल हैं वो सारे स्कूल आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा स्कूल लिस्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, सर्च बार में स्कूल का नाम सर्च करना है, या फिर आप अपना एरिया सर्च कर सकते हैं जिस एरिया में आपका स्कूल है। लाइक रोहिणी में मेरा स्कूल है, मैंने रोहिणी यहाँ पर डाला है, तो रोहिणी में जितने स्कूल हैं वो सारे स्कूल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से आपको अपना स्कूल चूज कर लेना है। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप सेकंड पर क्लिक करेंगे, सेकंड लिस्ट आपके सामने आएगी। इसी तरीके से आप अपना स्कूल फाइंड आउट कर लेंगे। इस स्कूल का बस पास बनाना चाहता हूँ तो इसके सामने जो स्कूल कोड है इसको याद कर लेना या फिर कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से बैक आना है अपने डी टी सी वाली वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको स्कूल कोड कर देना है, जैसे कि मैंने 12256 मेरा स्कूल कोड था, मैंने टाइप कर दिया है। अब स्कूल कोड जैसे ही टाइप करते हैं, उसके बाद आपको एक बार बस बाहर यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही बाहर क्लिक करते हैं, आपके स्कूल का नेम और एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब नीचे साइड आएंगे, यहाँ पे आपको क्लास फिल करना है, क्लास यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होंगी। अगर आप स्टूडेंट बस पास बनवा रहे हैं तो आपका एक फीस रिसिप्ट अपलोड होता है और दूसरा एक एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किया जाता है। पहले वाले बॉक्स में, पहले वाले कॉलम में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए बता देता हूँ।
तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म गूगल पर बस आपको सर्च करना है, डी पास एप्लीकेशन फॉर्म, बस पास एप्लीकेशन फॉर्म सर्च करना है। आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका DTC बस पास का फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करते देखिए आपका बस पास फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपका बस पास फॉर्म कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो देखिए इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको आपको अपना नेम फिल करना है, फिर फादर नेम फिल करेंगे, फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, एज फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, देन अपना एक रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, अपना पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर फिफ्थ नंबर में आपको यहाँ पे टिक लगाना है किस टाइप का बस पास बना रहे हैं, जैसे कि ऑल रूट का या फिर नॉन एसी का, वो आपको चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन डालना है, कहाँ से कहाँ तक का बस पास बनवा रहे हैं। फिर आपको अपना पीरियड डालना है, बस पास से कब तक का बनवा रहे हैं, कितने महीने का बनवा रहे हो, पीरियड आपको डालना है, जैसे कि फ्रॉम डेट आफ्टर डेट आपको डालना है। आठवें नंबर पर देखिए स्कूल का नेम और एड्रेस फिल करना है, और स्कूल का कोड आपको इस वाले बॉक्स में डालना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड साइज फ़ोटो पेस्ट करना है, यहाँ पे स्कूल का नेम और एड्रेस फिल करेंगे। नीचे साइड आपको अपना क्लास डालना है, रोल नंबर फिल करना है, स्टूडेंट आईडी आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है, अगर आपके पास आई कार्ड है तो उसका नंबर डालेंगे यहाँ पे। देन आपको अपना एक सिग्नेचर करना है, यहाँ पे नीचे डेट डालेंगे, यहाँ पे स्कूल से स्टैम्प और साइन करवा लेंगे प्रिंसिपल का। तो इतना डिटेल आपको फिल करना है, उसके बाद आपको दोबारा से बैक आना है। अब आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पर आना होगा, वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है जो अभी आपने यहाँ पे फिलअप किया है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर फॉर्म अपलोड कर दिया है। फॉर्म अपलोड करने के बाद सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर फीस रिसिप्ट आपको अपलोड करना है। तो देख सकते हैं हमारा दोनों इमेज यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट और टू डेट का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रॉम डेट यानी कब से कब तक बस पास बनाना चाहते हो आपको चूज करना है। पहले आपको डेट चूज करना है कब से आपको यहाँ पर बस पास बनाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 12 तारीख बस पास बनाना चाहता हूँ, मैंने 12 तारीख यहाँ पे 13 तारीख चूज कर लिया है। उसके बाद आपको मंथ चूज करना है, यहाँ पे 1 मंथ का बनाना चाहता हूँ, मैंने 1 मंथ चूज किया है, कि ये वाला ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, इसके अनुसार 1 महीने का डेट यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद नीचे साइड यहाँ पे आपको अमाउंट शो करेगा, कितना अमाउंट आपका लगेगा बस पास बनाने के लिए। फिर नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपने ये फोटो चूज करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको बताया जाता है फोटो किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। जैसे कि इन दोनों पे क्रॉस लग रहा है ऐसा फोटो नहीं डालना है, आपको पासपोर्ट साइज में कुछ इस तरीके का फोटो अपलोड करना है। फिर नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए आपका सारा डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे साइड आना है, यहाँ पर कन्फर्म पर इस वाले बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद नीचे साइड आना है, आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जो मोबाइल नंबर अभी आपने फिल किया है, आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। तो OTP यहाँ फिल कर देंगे, कैप्चा कोड फिल करना है, OTP फिल कर देना है, देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ओके करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डाउन करना है। यहाँ पर आपको बताया जाता है प्लीज़ नोट पास आईडी, ये पास आईडी आपको नोट कर लेना है, ट्रैकिंग करने के काम आएगा। नीचे साइड आना है, आपको पे पर क्लिक करना है, आपको एडवांस पे बस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए उसके बाद इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से कोई एरर अगर आता है तो आपको प्रोसीड पे बस क्लिक करना है। नीचे यहाँ प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ₹133 की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग UPI का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप UPI के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका बस पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और 7 से 15 दिन में आपके घर पर आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन इन केस आपके घर पर डिलीवर नहीं किया जाता है तो आपको आपको जो एप्लीकेशन नंबर अभी दिया गया था उस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गूगल पे आपको यहाँ पर सर्च करना होगा DTC बस पास स्टेटस, और इस फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है, देन सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे शो कर देगा कि आपका बस पास कहाँ पर है और कितने टाइम में आएगा, आपको स्टेटस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप DTC बस पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपको, तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।